क्या आप एक फैशन डिजाइनर हैं जो लेडीज के लग्जरियस इवनिंग वेयर, रोमांटिक इवनिंग ड्रेसेस बनाने के लिए फैब्रिक ढूंढ रहे हैं? अगर हां तो ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र तुषार, चारू क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि एक फैशन फैब्रिक कंपनी है नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली में। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फैब्रिक ऑफ रोमांस की, यानी वेलवेट की। स्टनिंग वुमेन्स वियर, अद्भुत महिलाओं के कपड़े बनाने के लिए बहुत फेमस अति प्रसिद्ध वेलवेट फैब्रिक वुमनली कर्व्स को एक्सेंचुएट करता है, अर्थात शरीर के अंगों को उभार कर प्रदर्शित करता है। वेलवेट के वंडरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स, वेलवेट की कमाल की विशेषताएं जैसे अट्रैक्टिव सॉफ्टनेस, मन को मोह लेने वाली कोमलता, अमेजिंग स्मूथनेस, गजब का चिकना स्पर्श एवं शाइनी लुक, चमकदार सतह एक साधारण मनुष्य के लगभग सभी सेंसेस को अट्रैक्ट करती हैं, लगभग सभी इंद्रियों को आकर्षित करती हैं, और इसी कारण वेलवेट को फैब्रिक ऑफ रोमांस कहा जाता है। गजब की ड्रेप वाला वेलवेट फैब्रिक पूरी दुनिया में सबसे सॉफ्ट अर्थात सबसे नर्म और सबसे स्मूथ अर्थात सबसे चिकने फैब्रिक्स में से एक है। अपने इसी लग्जरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, आलीशान विशेषताओं की वजह से वेलवेट फैब्रिक बहुत लंबे समय से रॉयल्टी, राजसी गौरव और एरिस्टोक्रेसी अर्थात कुलीन तंत्र का प्रतीक रहा है। किसी फाइबर, किसी रेशे के बजाय वेलवेट शब्द उस प्रोसेस को रेफर करता है, उस प्रक्रिया को सूचित करता है जिस प्रक्रिया से ये फाइबर्स एक साथ स्ट्रक्चर करे गए हैं, एक साथ संरचित करे गए हैं। मित्रों, वेलवेट का निर्माण एक स्पेशल लूम, एक विशेष करघे डबल क्लॉथ लूम पर होता है। यह लूम फैब्रिक की दो लेयर्स को, कपड़े की दो परतों को एक साथ वीव करता है, एक साथ बुनता है। बाद में इन दो लेयर्स को, दो परतों को बीच में से बराबरी से काट दिया जाता है, और ये दो कटे हुए फैब्रिक पीसेस, दो बराबरी में कटे हुए कपड़े के टुकड़े वेलवेट फैब्रिक के दो रनिंग मटेरियल होते हैं। मित्रों, वेलवेट की ऊपरी सतह पर कटे हुए धागे, कटे हुए थ्रेड्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं। ये कटे हुए धागे एक सॉफ्ट डेंस पाइल को, मुलायम सघन ढेर को जन्म देते हैं। इसी पाइल, इसी ढेर के कारण सॉफ्टनेस, कोमलता का दूसरा नाम वेलवेट है, अर्थात मखमल है। पारंपरिक रूप से वेलवेट का निर्माण सिल्क फाइबर, रेशम के रेशे से होता आ रहा है, परंतु आज के समय में बाजार में कॉटन, विस्कोस, लिनन, वूल, पॉलिएस्टर वेलवेट और इन सब फाइबर्स के ब्लेंड्स, इन सब रेशों के मिश्रण से बने वेलवेट फैब्रिक्स भी सरलता से उपलब्ध हैं। मित्रों, भिन्न भिन्न रेशों, डिफरेंट फाइबर से निर्मित वेलवेट फैब्रिक्स के अतिरिक्त अलग अलग डिजाइन के वेलवेट फैब्रिक्स भी बाजार में उपलब्ध हैं। पहला प्रकार है क्रश्ड वेलवेट। वेलवेट को घुमाकर या गीले वेलवेट को दबाकर प्रेशर देकर फैब्रिक में क्रश्ड अपीयरेंस लाई जाती है। दूसरा प्रकार है बर्नट आउट वेलवेट का। इस प्रकार के वेलवेट फैब्रिक में डिफरेंट पैटर्न्स बनाने के लिए, विभिन्न आकृतियां बनाने के लिए कुछ भाग को पाइल फ्री किया जाता है, ढेर मुक्त किया जाता है। तीसरा प्रकार है एम्बोस्ड वेलवेट का। इस प्रकार में फैब्रिक पर डेकोरेटिव डिजाइंस को, विभिन्न प्रकार की सजावटी आकृतियों को एम्बोस या हीट स्टैम्प अर्थात ताप के साथ मुद्रांकित किया जाता है। राजस्थानी बंद गले के निर्माण में एम्बोस्ड वेलवेट फैब्रिक का बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है। इस फैब्रिक का होम डेकोर अर्थात गृह सजावट की वस्तुएं जैसे कर्टन्स, पर्दे, कुशन्स और पिलोस, तकिए, बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स, चादरें और कंबल के निर्माण में भरपूर प्रयोग होता है। चौथा प्रकार है स्ट्रेच वेलवेट फैब्रिक। इस प्रकार के वेलवेट में स्पैंडेक्स या कहें लाइक्रा के फाइबर्स, लाइक्रा के रेशे मिश्रित किए जाते हैं ताकि स्ट्रेची क्वालिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, खिंचाव वाली गुणवत्ता और लचीलापन प्रदान करे जा सके। शरीर के कर्व्स को एक्सेंचुएट करने के लिए अर्थात कर्व्स को उभारने के लिए, बॉडी हग करने के लिए, शरीर के साथ चिपकने के लिए स्ट्रेच वेलवेट फैब्रिक आइडियल है, आदर्श है। जंपसूट बनाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन, एक बहुत अच्छा विकल्प है। पांचवा प्रकार है लियों वेलवेट का। इस प्रकार का वेलवेट अन्य किस्मों की तुलना में अधिक डेंस, अधिक सघन होता है और ज्यादा स्टिफ, कठोर होता है।
आउटर वियर अर्थात ऊपर से पहनने वाले कपड़े और वस्तुओं जैसे कि कोट्स और हैट्स के निर्माण के लिए लियों वेलवेट को श्रेष्ठ विकल्प माना गया है। इन मुख्य प्रकारों के अतिरिक्त भी कई और प्रकार के वेलवेट हैं, उदाहरणतः पाइल ऑन पाइल वेलवेट, पैन वेलवेट, नेकर वेलवेट, शिफॉन वेलवेट इत्यादि। मित्रों अब बात करते हैं कि आप कौन से गारमेंट्स, कौन से वस्त्र और कौन से होम डेकोर, गृह सजावट की वस्तुएं किस फाइबर, किस रेशे से निर्मित वेलवेट से बना सकते हैं। अगर आप इवनिंग ड्रेसेस, वेडिंग गाउन्स और फॉर्मल वियर बनाना चाहते हैं तो आप सिल्क वेलवेट का प्रयोग कर सकते हैं। सिल्क वेलवेट जादुई रूप से चमकदार, नर्म और मुलायम होता है। सिल्क वेलवेट का ड्रेप भी बहुत शानदार है। सिल्क वेलवेट से बनी लॉन्जरी लग्जरी का सिंबल है, लग्जरी का प्रतीक है। यदि सिल्क वेलवेट आपके बजट से बाहर है तो आप विस्कोस वेलवेट और पॉलिस्टर वेलवेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। पॉलिस्टर वेलवेट की खास बात यह है कि यह माइल्डियो रेजिस्टेंट होता है अर्थात फफूंदी प्रतिरोधी होता है। सबसे सस्ता होने के परिणाम स्वरूप पॉलिस्टर वेलवेट का प्रयोग हर प्रकार के गार्मेंट्स, आउटरवेयर, लॉन्जरी और होम डेकोर आइटम्स के निर्माण में सबसे अधिक होता है। यदि आप आउटरवेयर जैसे जैकेट्स, कोट्स, ट्राउजर्स इत्यादि बनाना चाहते हैं तो कॉटन वेलवेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे किस्मों के तुलना में कॉटन वेलवेट का ड्रेप कम है, परंतु ये सॉफ्ट मुलायम होने के साथ साथ बहुत ही स्टर्डी, बहुत ही मजबूत फैब्रिक है। यदि आप एक्सेसरीज जैसे हैट्स निर्मित करना चाहते हैं तो वूल वेलवेट एक अच्छा विकल्प है। यदि आप विंटेज लुक वाले कर्टन्स, विंटेज लुक वाले पर्दे बनाना चाहते हैं तो लिनन वेलवेट आपकी सहायता कर सकता है। मित्रों अब बात करते हैं वेलवेट की वॉश एंड केयर, देखभाल के बारे में। वेलवेट एक लग्जरी फैब्रिक है जिसकी देखभाल उचित रूप से की जानी चाहिए। टेक्सटाइल एक्सपर्ट्स, कपड़े के विशेषज्ञों के अनुसार वेलवेट फैब्रिक को ड्राई क्लीन करना चाहिए। इस्त्री करने के स्थान पर वेलवेट फैब्रिक को स्टीम प्रेस करें। जहां तक स्टोरेज का संबंध है, याद रखें कि लंबे समय तक मुड़े रहने के परिणाम स्वरूप वेलवेट फैब्रिक्स में क्रीज अर्थात शिकन आ जाती है, तो हो सके तो वेलवेट से बने गारमेंट्स को फ्लैट यानी सपाट रखें। मित्रों इस वीडियो को देखने के लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारे फैब्रिक से बनाए हुए प्रोडक्ट्स, बनाए गए उत्पाद आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएंगे। वेलवेट फैब्रिक्स की कलेक्शन देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। किसी भी प्रकार की फैब्रिक्स की जानकारी के लिए आप हमें +91997110620 पर कॉल कर सकते हैं या charu@charu.org.in पर ईमेल भेज सकते हैं। मित्रों आप अगला वीडियो किस विषय, किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में लिखकर अवश्य भेजें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।